एक्चुअली हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, राइट। तो हम यहाँ पे जो है इसको समझने के लिए क्या लेंगे, एक पेंटागन लेते हैं। तो हमारे पास एक पेंटागन है ए बी सी डी ई, ये क्या है हमारे पास एक पेंटागन है। इस पेंटागन के जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी एंड एंगल ई, राइट। अब हमको यहाँ पे जो हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज एक्सटीरियर एंगल, तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इस पेंटागन में एक्सटीरियर एंगल्स कहाँ फॉर्म हो रहे हैं, राइट। तो अगर जो है मैं इस ई ए जो जिसकी साइड है इसको आगे तक प्रोड्यूस करूँ, तो जो ये ई ए प्रोड्यूस है ये ए बी साइड के साथ में जो एंगल वन यहाँ पे फॉर्म कर रही है, दिस एंगल वन इज एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स ए, राइट। इसी तरह से ए बी को आगे तक प्रोड्यूस किया, और जो ये ए बी प्रोड्यूस है ये बी सी साइड के साथ में जो एंगल टू यहाँ फॉर्म कर रही है, दिस एंगल टू इज एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स बी। उसी तरह से बी सी प्रोड्यूस के साथ में सी डी जो हमारी साइड है वो एंगल थ्री फॉर्म कर रही है, सो दिस एंगल थ्री इज एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स सी। नेक्स्ट हम समझेंगे सी डी प्रोड्यूस के साथ में जो है डी ई क्या फॉर्म कर रही है, एंगल फोर फॉर्म कर रही है, सो दिस एंगल फोर इज एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स डी। उसी तरह से ये जो डी ई प्रोड्यूस है, डी ई प्रोड्यूस के साथ में जो ई ए जो साइड है वो एंगल फॉर्म कर रही है एंगल फाइव, तो दिस एंगल फाइव इज एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स ई। तो यानी इस पेंटागन में हमको क्या मिल गए हैं, पांच क्या है एक्सटीरियर एंगल है, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। हमें यहाँ पे क्या करना है कि इन फाइव के फाइव जो एक्सटीरियर एंगल है उनका सम फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखिए हम इसको इस तरह से समझेंगे, सपोज एक पर्सन है जो कहाँ पे है ए ई के बीच में कहीं पे पी पे है, राइट। इसका जो स्टार्टिंग पोजिशन है उस पर्सन का वो है पी। अब ये पी जो है इस पी को जो है इस पूरे पेंटागन के अराउंड मूव करते हुए वापस अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे आना है, तो क्या करेगा वो ए से जो है पी से ए पे जाएगा, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से कहाँ आएगा वापस पी पे आएगा। लेकिन ये मोशन किस तरह से होगा देखिए, पहले वो स्टार्ट जब करेगा तो वो जा रहा है कहाँ से, वो जो है पी से चलना स्टार्ट किया, किस डायरेक्शन में, पी ए डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया। लेकिन जैसे ही वो ए पे पहुंचा ही उसने क्या लिया, एक टर्न लिया, ही टर्न बाय एंगल वन, और वो कहाँ पे आ गया, किस डायरेक्शन में आ गया, अब ए बी डायरेक्शन में आ गया। अब ए बी डायरेक्शन में आने के बाद जैसे ही वो बी पे पहुंचा, अगेन ही विल टर्न बाय एंगल टू और कहाँ आएगा, बी सी डायरेक्शन में आगे चलता जाएगा। बी सी डायरेक्शन में चलने के बाद जो है वो कहाँ पे आएगा, सी वर्टेक्स पे आएगा या सी पॉइंट पे आएगा। अब सी पॉइंट पे क्या करेगा, अगेन ही विल टर्न बाय थ्री एंगल थ्री और वो क्या आएगा, सी डी पे जो है आगे बढ़ता जाएगा। सी डी के पास आने के बाद जो है सी डी पे आगे चल के अगर वो डी पे पहुंचेगा तो अगेन डी पे जो है ही विल टर्न बाय एंगल फोर और वो डी ई डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा। फिर ई पे पहुंचने के बाद क्या करेगा, वो फिर से क्या करेगा, ही विल टर्न बाय एंगल फाइव और वापस जो है अपनी ओरिजिनल पोजिशन कहाँ चला जाएगा, पी पे चला जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये जो पर्सन है इसने जो है इस पेंटागन के अलोंग चलते हुए अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाने के लिए इसने क्या किया है, एक कंप्लीट टर्न लिया है। यानी अगर हम सारे के सारे पांचों के पांचों एंगल, एंगल वन टू थ्री और फोर फाइव को देखें तो क्या बन रहा है, एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है, करेक्ट। और कंप्लीट सर्कल क्या होता है, कंप्लीट सर्कल का मतलब होता है कंप्लीट एंगल। तो यानी हम यहां से पता कर सकते हैं कि एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर प्लस एंगल फाइव इज इक्वल टू ए कंप्लीट एंगल, और वी कैन से 360 डिग्री। अब ये सिर्फ पेंटागन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, एक्सटीरियर एंगल चाहे किसी भी पॉलीगन के हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, किसी भी टाइप का पॉलीगन हो, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है, 360 डिग्री होता है। इससे पहले हमने पढ़ा है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, तो किसी भी पॉलीगन में क्या होता है, जैसे जैसे जो है पॉलीगन की साइड्स बढ़ती जाती हैं तो उसके द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, बड़ा होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन वो चीज़ यहाँ पे लागू नहीं होती है, किसी भी पॉलीगन के जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा कितना रहेगा, 360 डिग्री रहेगा, चाहे पॉलीगन के साइड्स कितनी भी हो, चाहे वो थ्री साइडेड पॉलीगन हो, फोर साइडेड पॉलीगन हो, फाइव साइडेड पॉलीगन हो या सिक्स साइडेड पॉलीगन हो। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री।